बाबूलाल भैया मारे गए, क्या कहेंगे? उस आदमी ने अपना अपने आप को कुर्बान कर दिया या उनकी मौत बेकार रह गई? उन्होंने सोचा कि भाई हमारा इज्जत का सवाल है, हमारा रोजी रोटी का सवाल है, हम उनको कोई चोरी नहीं कर रहे थे, हम तो अपना प्राइवेट खेत में अपना माल उठा रहे थे। जब उठाया माल को, उन्हें जबरदस्ती पैसा मांग करके नहीं दिया पैसा, तो वही पिटाई करा, उसी में भी उनको भी पिटाई किया। ऐसा हो सकता है कि कोई मजदूर आपका भाई जैसा अपना जान दे दे पूरा बस्ती के लिए, उसका फायदा हुआ कुछ? उसका मरना बेकार हो गया क्या? बेकार तो हो ही गया, उसको कोई सहायता नहीं दिया तो बेकार ही हो गया। इसीलिए हम लोग तो के पूरा दुख है, सब दुख आत्मा में गला के रख ले हैं। शरीर भी देखो सुख वाला के देखो, नीचे दुख वाला के देखो, आत्मा दे भी करता है कि हम लोग पर तो कोई सहारा नहीं है। तो साथी, हम इसीलिए यहाँ आए हैं कि हम एक भी बाबूलाल नहीं, हम हजार बाबूलाल हैं। हम मेहनत के साथ अपना रोटी चलाते हैं, हम इज्जत के साथ रहेंगे, मेहनत करके खाएंगे, हम तराली नहीं करते हैं। और तुमने बाबूलाल भैया को हमारे बीच से ले गया है, हम उसको हम नहीं भूलेंगे, उसका अधूरा जो काम है उसको हम पूरी करेंगे। ये शपथ लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। बाबूलाल की हत्या के दिन क्या हुआ, शुरू कैसे हुआ सुबह ये सब? बाबूलाल के हत्या के पहले दिन ये सब उधर से आया और वो बनारसी के झोपड़ी के सामने पैसा तसलने चाहा, उसने लोग विरोध किया। विरोध करने के बाद हम भी, हमको लोग बुलाए तो हम गए, तो क्या सिपाही जैसा कई धांधली कर रहे हैं, तैसा करने के बाद हम कहा कैसे होने से मारपीट हो जाएगा, तो चला गया उधर। उस दिन स्टॉप हो गया और कुछ झगड़ा झंझट नहीं हुआ। दूसरा दिन और भोर को दो जवान आया और वही मारपीट करना शुरू किया। तो इसके बाद हम उस दिन अपना डेरे पर ही थे, कुछ लेबर लोग हमको बोला कि सरदार जी वहाँ झंझट हो रहा है, आप चलिए। तो हम आ ही रहे थे तो वहाँ से आसमानी फायर किया सिपाही, एक फायर। तो हम बोला कि भाई यहाँ पर आदमी इकट्ठा था, देखो हट जाओ नहीं तो फायर उड़ कर देगा ना, क्या करेगा, भागो। तब लोग बोला कि क्या भागेगा, साला जो है होगा होगा, देखा जाएगा। तो एक फायरिंग किया, दूसरा फायरिंग वहां से किया, तीसरा फायरिंग वहां जा करके बाबूलाल भुइयां पर चोट किया। फायरिंग किधर से आया था? फायरिंग वासरी के कोने से आया था। दिन का घटना जो घटा तो हुआ क्या कि ये लोग
दहशत पैदा पहले से करके रखा हुआ था, क्योंकि इन लोगों की कमाई से वो लोग बैठ के खाना चाहता है, और बराबर का वो लोग मना एक बना के रखा है, हमको कुछ हिस्सा दो, क्योंकि ये माल हमारे मेहरबानी से बहता है, यानी कि कोयला उसके मेहरबानी से आता है। जो भी हो, मेहरबानी हो चाहे जो भी हो, लेकिन इन लोगों का जो हार्ड मेहनत करने के बाद, मतलब पूरा दिन रात पसीना एक करने के बाद जो दो चार पैसा होता है, उसमें से उसको आठ ना दो, फिर पुलिस को आठ ना दो, फिर जमीन मालिक को दो आठ ना, तीन लोगों के पास तो बचता है नहीं कुछ। और इस तरह का वो मजमा बना के माना जो गोली कांड किया है, उसमें एक दहशत पैदा करने के लिए हम ही हैं सब कुछ, और नहीं पैसा दोगे तो उन लोगों को मार दिया जाएगा, झोपड़ी जला दिया जाएगा, इस तरह का वो लोग किया हुआ। उस रोज कोयला के लेके बातचीत उठा, उस औरत से उसी से पैसा मांगा, पैसा नहीं देने पर उसको छेड़छाड़ किया गलत नीति से। सावित्री को मारा? क्यों मारा? मारा कैसे, उस सावित्री खाना लेकर आया तो खाना उतारा तो उसको भाई भट्टा लगाता है, उसको पति लगाता है, दो आदमी, तो वो खाना सावित्री देने लगा अपने भाई लोग के, तो उसको भैया के मार दिया एक डंडा, जो मर गया बाबूलाल वही उसका भाई था, अपन भाई नहीं है, चचेरा भाई था, चचा का लड़का। तो वो लोग दो आदमी हाथ धोने लगा खाने के लिए, और सावित्री खाना बांटता था, बस उसको भाई ने जब मार दिया एक डंडा, तो सावित्री बोला जी हाँ साहब आप क्या क्या कसूर होता है जी आप लोग मारते हैं, बस सावित्री को डंडा चला दिया सिर से। और इसका पिताजी देखे तो बोला जी मर्द को मार के गिराता तो मंजूर है, मगर वो औरत को हमारा माँ बहन है, वो हमारा माँ बहन काहे मारे। बट औरत का छेड़खानी ऐसा करता है सीआईएसएफ इधर, ये बताइए। अभी तक करता है, अभी तक करता है। पूनम जी आप बताइए, ये अभी तक करता है औरत लोग के साथ? छिपा बोला कर में डर कौन की के लाश कौन की छिपा हमरा की कुछ का बन के बेटा बने का ये किसी को तो किया है नहीं सुना हमरा अब वही अब हमनी के रिपोर्ट गेला दामोदर कॉलेज में कि बाबूलाल भुइया के बहन के सीएस अपने छेड़खाने किया। उस टाइम में बाबूलाल भुइया देख का उसका बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैं झगड़ा ज्यादा बढ़ा। नहीं नहीं ना तो कहा के लिए आया, चंदा वसूली करने के लिए, रंगदारी करने के लिए? तू लोग के घर में कहा आया, किस कारण से आया, किस ढंग से, कैसे मामला हुआ, कैसे झगड़ा हुआ, ये चीज का बात रखो, कैसे झगड़ा हुआ उससे, कैसे मर्डर हुआ? झगड़ा तो जिस टाइम में रहेगा वो देखेगा जिसे बोलेगा, हम वो टाइम में तो देखा कि हम उन लोग के उन्हें मारने पूछने माल नहीं उठाने देता रहा, भट्टा नहीं लगाने देता रहा, हम पूछे है वो सब मालिक लोग से चंदा मांगता रहा, हम लोग नहीं दिया, इसीलिए हम लोग तो नहीं जानता, हम तो सबका जानता कि हम कमा रहा है भट्टा में, मालिक है मालिक के कहेगा, मुंशी है मुंशी कहेगा, हमी लोग के कहेगा। अच्छा सावित्री एक मिनट इनको भी बात करने दीजिए, बसंती बताइए पूरा बात बताइए। हम पूछते हैं सुनिए मंजरा जी कि बाबूलाल का भैया जो हत्या हुआ यहाँ किस कारण से, हम लोग का दामोदर में रिपोर्ट गया ऐसे ही कि बाबूलाल का भैया को सीए से अपने छेड़खानी किया, उसका भाई ने कुदाल से कोयला निकालता रहा कि मिट्टी निकालता रहा, तो वही हुआ पर रहा, तो अपना बहन को देखा, अपना बहन को देखा कि छेड़खानी कर रहा है, गंदी गंदी बात बोल रहा सीएसएफ, तो उसी टाइम में बगझक बगझक होते होते दोनों में झगड़ा हो गया। सावित्री देवी जो मैलागढ़ा में भट्टा लगा रही थी, उसका दो चार दिन पहले उसका भाई आया था, और भाई आने से देखा कि सावित्री के साथ सीएसएफ के नौजवान ने छेड़छाड़ कर रहा है, उनको बुरा लगा, तो उन्होंने कुछ और लोगों को प्रचार किया कि इस तरह का हमारी बहन के साथ छेड़खानी करता है, तो औरत के साथ छेड़खानी करना हम लोगों का यहाँ का जो धर्म है बहुत खिलाफ है, विरोध है, लोगों को तकलीफ लगा, लेकिन उसका कोई साथ नहीं दिया। फिर बाबूलाल भुइया अकेला उसको विरोध किया, विरोध करने से दोनों में जब मारपीट होना शुरू हुआ तो और वहाँ के लोग उभरे, औरत मर्द सब मिलकर के सीएसएफ को भगाया, वो फिर भाग करके चला गया कैंप में, और उधर से राइफल लेकर के आया, यहाँ लोगों को पता नहीं चला था, और आ करके उन पर गोली चार्ज कर दिया।
दो तीन फायर किया जिसमें बाबूलाल भैया कहीं जान गया है, पीछे से मारा था। लड़ाई आखिर किस ढंग से हुआ? क्या सीए साहब के यहाँ जमीन नहीं है, जगह नहीं है? यहाँ तो दियात वाला को है, सीए साहब का तो कुछ बोलने का अधिकार भी नहीं है। माल जो आता है कारखाना से निकल कर तो बाहर ही आता है दूसरे को जमीन में। अरे लोग परदेसिया है, आके यहाँ पर बस गई, अपना खाता कमाता गरीब आदमी, तो उसका क्या, उसका क्या है कि हम जाकर मजदूर पर फायर करें, महिलाएं लोग पर लाठी चार्ज करें। हम खनवा उस खिलाया बर्तनवा रह दिया नीचे, और इसे हम उठ करके मैंने कि खड़ा हो गया। वो आया तो वो कहा कि भागने कहता तो भागता नहीं, वो श्री मैंने कि हमको एक रूल लगा दिया। हम लोग वहां से वो मारा ना, तो हम लोग के मन में आ गया कि हम इसको तो कुछ नहीं बिगाड़ा, मर्द के मारा तो मार भी करा, लेकिन हम लोग के भी मारने आया जी। हमको इतना सुन करके ना, हमको बाल्टी में पानी रहा था बाल्टी, तो कली कि हम कुछ नहीं बिगाड़ा और हमको मारा तो हम भी मारेगा, हम भी उसको डराकर बाल्टी बजाड़ी दिया। एक नेजर था, एक जवान थे, तो राइफल दो लोग लाया। लाने के बाद हम लोग सारे मजदूर इकट्ठा हो गए। होने के बाद वो दीवार पर चढ़ गया, छरदेवाली पर, और वहाँ पर चढ़ करके पहला फायरिंग ऊपर किया, दूसरा फायरिंग ने बाबूलाल को हत्या कर दिया। फायरिंग करने के बाद बहुत तुरंत उन लोग का सीए साहब का जवान 12-14 दंगल बना के आया, और जिसको तिसको मारना शुरू किया, झोपड़ी को भी आग लगाया, खेत का मालिक लोग भागना शुरू किया, और भाग के नदी पार लोग चले गए। तो हम लोग मना करने लगा, भाई मत भागो मत भागो। जब हम लोग सुना कि बाबूलाल भैया मर्डर हो गया, अभी देखा हम लोग कि हाड़िया जो है ना, हाड़िया आगे बुताने वाला, उसमें भी देखा हाड़िया भी छेदा हो गया सब का। उस दिन में आदमी का खून गर्म था कि मार के बदला मार होगा, खून के बदला खून होगा। हमारा सुबह लग रहा था क्या, जैसे दिन उदास रहता है वैसे लगा। आ इसके बाद में आते हैं तो देखते हैं कि घटना जारी है, जैसे लेबर भाग रहा है तो हम लोग तो भी उसको रोकते हैं कि रे भाई भागो मत, जो हुआ तो हुआ, तो भागेगा कहे नहीं, उतवा के सब एकदम विनाश, जैसे लंका जर रहा है तो इसे जरिए रहा है, तो लेबर कहाँ टिकेगा, वो तो भाग ही रहा है। तो कुछ जंगल के ओर भागे, कुछ दमोदर भागे, ये जिधर पाया खटिया बर्तन लेके भाग ही रहा था। बाबूलाल भैया को तो गोली लगा इधर पड़ा हुआ है, गोली लगने के बाद साला उसको पैर को सिया साहब ने विशेष सेल में खींच के ले आया, और बाल्टी बाल्टी उसको खून को पूरा धो दिया। जो बैजनाथ के मठ है उसको पता लगा तो कामरेड ने गया थाना में रिपोर्ट किया, तो दरोगा ने आया वहाँ जांच किया तो पाया छोटा सा खून, और लाश को ट्रक में लोड करके धनबाद के सिर बंगला ले गया। बाबूलाल के नहीं छोड़ा तीन चार आदमी कि ऐसे करके उसको बांधो, ऐसे करो ऐसे करो। जब की आग लगाने वाला डंडा पार्टी भी आ गया, तब वह बाबूलाल की कुछ होश रहा तो वह बाबूलाल की पनिया पिलाने लगा। इतने कहा कि से हम लोग के जीवन नहीं बचेगा, वो कहता है मैंने तोतर लगते रहा। तो तीन चार गो औरत है, काहे लिए हमको लिए जीवन लड़ागा, से वो लोग जान नहीं छोड़ेगा, औरत की भी मार देगा, वो भट्टा में डाल देगा आके आग में डाल देगा। तो हम लोग भाग गया, तो उसी के लिए सुसवाया आग लगा दिया, मारा डंगा गया, जे रहा से डर से भाग गया। और मुंशियान के दो विजय नमा है, समंतु नमा है, तखने रहा इतना बड़ा के रहा ना दियो देख के रख ले रहा, तो गुदिया में आऊ मुंशी जी के तो दिए डंडा पार्टी वाला, तो वो तो कोट वोट पहन लिया कि मारेगा देह में अपना बचाने के लिए, वो नहीं भागने सका। और 10-5 को खिड़ दिया समूचे दीपू, आग लगा दिया झोपड़ियों में, आऊ बचवा का आग लगा करके आऊ बचवा के फिर झोपड़ी में बिक दिया।
उसका यही भाग तकदीर ऐसा रहा बचवा के न कि वो नीचे गिर गया और नीचे गिर गया जो मुंशी जे रहा कि हमको बचवा जर गया जो मुंशी जी के छोड़ दिया। जब आगे लगाया तो सब तो भाग गया, हम काम बाल बच्चा छोड़ के भागेंगे, इसलिए हम लोग के ऊपर ऐसा गुजर गया। यहाँ फील्ड के अंदर कोई नहीं रह गया था। आप तो लेबर नहीं है खुद, आप तो मुंशी हैं। मुंशी है तो हमारे लेबर को मारेगा तो हम तो मुंह नहीं देखेंगे बचाने के लिए, हमको तो कुछ आया गमाया। जब आके बच्चा बोला कि हमारा जान बचाइए, इसलिए हम लोग पड़ा। जैसे आपको है कोई बात, हमको कोई मारेगा तो आप देखिएगा तो नहीं है, जरूर बचाइएगा। तो हमारा दोस्त वो लेबर हो तो हम लोग भी दौड़ गया कि हमारा लेबर काहे मारेगा। तो जब इसको पिताजी के मारने लगा, तो हमको दो डंडा मार दिया था, एक डंडा यहाँ एक डंडा यहाँ। इसको पिताजी के हम बचाने लगा कि नहीं कोई कसूर साहब हम लोग का काहे मारते हैं। तो जो इसको पिताजी के मार के गिरा दिया, तब हमको दो डंडा मारा था, कर बाद आग लगाने शुरू किया झोपड़ी में। तो यही हमारा लड़का था, छोटा एक छोटे था वही लड़का, हाँ यही विजय, ये विजय रहा गोदी में। तो इसको लेकर के हम सोचा जे भाई अब भागेगा, बस बच्चा हमारा गोदी से गिर गया। बस बच्चा को का किया पुलिस लोग, ऐसे उठाकर झोपड़ी में दे दिया। तो झोपड़ी थोड़ा थोड़ा लहरा था, वैसी नहीं लहरा था। उधर पश्चिम साइड से आगे लगाया था, आ इधर कमे चला था। तो हमारा केस वैसे एकदम पूरा जल गया था इसको निकालने में। अब हमारा बच्चा, हमारा जीवन चला जाएगा, मेरा बच्चा को तो नहीं छोड़ेगा। अब कोई आदमी नहीं, सब भग गया था, खाली वो अकेला बाबूलाल भैया उसी जगह पड़ा रहा हमारा। झोपड़ी को क्यों आग लगाई? झोपड़ी क्यों जलाया कि झोपड़ी में लेबर लोग ढुका होगा ना, तो जो झोपड़ी जलाएगा तो लेबर लोग भाग जाएगा। जैसे 10-20 को झोपड़ी है तो सोचा जी अब तो बाबूलाल भैया के हम मार दिया, तो इलाज के किसी हालत से हम लोग छिपा देगा ले जाकर प्लांट में। तो जो इस ये झोपड़ी में लेबर लोग जो होगा तो लोग हल्ला करेगा, निकलेगा 10 भाई तो लाश नहीं ले जाने देगा। तो एक बढ़िया आग लगाओ झोपड़ी में, जो लेबर होगा तो लोग भाग जाएगा, तो हम लोग लाश लेकर अपना भाग जाएगा प्लांट में। तो प्लांट में ले जाने का कारण का होता है कि वो लोग बोल देता है अब हम मारेगा कहीं, हम ले आकर अपने घर में लाश रख देगा। तो हाँ आप पूछने आएगा कि कैसे लाश यहाँ आ गया, तो हम कहेगा कि वो डकैती करने आया था हमारे घर में, हम इसको मारा है। जीत होता कि नहीं जीत होता? तो आपको डर नहीं लगा उस वक्त? किधर से इतना हिम्मत हुआ ये सब बचाने के लिए? नहीं अब जाने पर खेल ही गया कि जान पर एकदम खेल गया। अरे बाबूलाल भैया मर गया, हम लोग भी बाल बच्चा मर जाएगा, हमारा पति को मारता है तो जो मर जाएगा तो हम जिंदा रह के क्या करेगा। जोन दिन आपके पास में खबर पहुंचा बाबूलाल का, तो क्या कर रहे थे? हम वहां पर एक किसान है उसी के काम हम करता था, तो सवेरे चला गया यहां से, हर जोड़ा हर जोड़ के हर जुतते रहा। तो हमारा जो पुतौ जीत का हमारा बाबूलाल का जाना नहीं गया, तो बोला कि बाबू से बात हो गया, बीमार गया हुआ है से अब मैलागढ़ जाना पड़ेगा। हम बोला कि तब जब ऐसा मुसीबत पड़ गया तो हमारा लड़का है तब जाएगा तो जरूर, हार तो दिया छोड़। किसान बोला कि इसे सुना, किसान साथे रहा, किसान बोला कि दे जो बीमार से तुम हर छोड़ दो और हर हम अपना खुद में ले चला जाएगा और तुम जाओ देखो क्या बात है। अब क्या करें, देखा जिन्हें से अब नहीं सहा जाता था कहा नहीं पड़ता। तो वो बोला कि देखो आज में तुरा चलना पड़ेगा, लहास के धनबाद में रखा हुआ है वो, जब तक ले जाएगा नहीं तब तक के लहास उठेगा नहीं। तो आया साँझ में पातली से गाड़ी चढ़ा ठीक, मतलब यहाँ देखने नहीं सका, टेम से कुटेम हो गया। आपके पहुँचने के पहले ही हो गया, हो गए थे।
इस फोन में काम करने वाले तमाम मजदूर साथियों से अपील है कि आप लोग यहाँ पर शहीद दिवस में जल्द से जल्द कराए और शहीद दिवस का हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम शुरू करेंगे। साथियों हम तमाम भट्टा के मजदूरों को कहेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी साथी शहीद शहीद दिवस के लिए यहाँ पर आधा घंटा के लिए चलाए। तमाम मजदूर साथियों को इधर आप हर साल आते हैं शहीद दिवस का साल साल में मैंने 26 जनवरी के आगे हम लोग चला आता था अपना हो जो कुछ होता दो पैसा चार पैसा यहाँ से हम लोग आज भूखा मरता थोड़ा लड़की भी सहारा कर लेता बस यही हालत से हम लोग के दिन तो कटा जाता है और तो हमारा खेत जमीन कुछ भी नहीं है रहने की भी जुगान नहीं हम जो देखा और नज़र से निकल गया वो तो थोड़ा तकलीफ हो जाता है तो लड़का के लिए सही मना होता है तो थोड़ा तकलीफ हो जाता है तो क्या कहें पेट के जला से आने पड़ता है। शहीद के जो परिवार के लोग हैं उन पर शहीद वेदी पर माला चढ़ाएंगे शहीद तुम्हें हम नहीं भूलेंगे शहीद तुम्हें हम नहीं भूलेंगे इसके बाद कांग्रेस किशोर मांझी आएंगे आपके सामने में अपना वक्तव्य रखेंगे। सबके हाथ में फूल है जिनके हाथ में फूल नहीं ले लीजिए कमेंट। साथी आज हम यहाँ क्यों जुटे हुए हैं ये बहुत दुख की बात है। एक ये बाबूलाल भैया के शहीद के यादगार में हम जुटे हुए हैं ये भूया कोई पूंजीपति वर्ग के नहीं थे ये हमारे जैसे ही मजदूर थे ये मेहनत करते थे और अपना मेहनत के जरिए अपना पूरे परिवार को पर्दा पर चलाते थे। ये बाबूलाल भूया ने हमारे बीच से ये बाबूलाल भूया अपना इज्जत के साथ अपना मेहनत के कमाई से अपना रोजी रोटी को चलाता था और गलत काम करने वाले को अकेले रहते हुए भी ये विरोध करता था। ये मैनेजमेंट के तलाश लोग नहीं आते थे तो उसने विरोध करते थे और इस विरोध के इंजाम क्या हुआ बाबूलाल भूया को यहाँ से शहीद होना पड़ा। तो साथी हम इसीलिए यहाँ आए हैं कि हम एक भी बाबूलाल नहीं हम हजार बाबूलाल हैं। हम मेहनत के साथ अपना रोटी चलाते हैं हम इज्जत के साथ रहेंगे मेहनत करके खाएंगे हम दलाली नहीं करते हैं और तुमने बाबूलाल भूया को हमारे बीच से ले गया है हम उसको हम नहीं भूलेंगे उसका अधूरा जो काम है उसको हम पूरी करेंगे। ये शपथ लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और हम तमाम मजदूर से कहेंगे कि ये बाबूलाल भूया का अधूरा काम को हम लोग हर कीमत पर हर तरह से एक कुर्बानी दे करके हम इसका अधूरा काम को पूरा करेंगे। साथी कमरेड हम लोग जो शहीद दिवस मनाते हैं तो शहीद दिवस में जो हम लोग जो शपथ लेते हैं हमारा बाबूलाल भूया का हत्या हुआ तो जब तक इनका सपना पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग शहीद दिवस मनाते रहेंगे। तो हम लोग क्या सपना है सपना हम लोग का तो यही है कि बाबूलाल भूया का हम लोग नहीं भूलेंगे। हम लोग यही मनाते हैं कि शहीद वेदी पर कि बाबूलाल भूया अमर रहे। सब कमरेड के लाल सलाम सपना है कमरेड जैसे है हम लोग सब मिल करके फिर आगे बढ़ते जाएगा। आगे बढ़ते में जैसे लेडीज भी उसको मैं सबको बहाली करेगा और अपना गांव गांव के आदमी को संगठन बनाएगा। संगठन बना करके मैंने ये भेदभाव नहीं रहेगा कि हम फलना औरत को नहीं ले जाएगा फलना औरत के जैसे का सबको समझा करके लेडीज को एक तो अलग बैठक रहेगा बराबर और उसको समझाएगा लेडीज को कि ऐसा तरीका से हम लोग ये देश को हासिल करेगा और जितना जो पूंजीपति है और जितना भी यहाँ का दलाली करता है उसको हम लोग जुलूम से उसको हटाएगा। बसंती आप देख रहे हैं संघर्ष करके भी कुछ नहीं हुआ
हर साल शहीद दिवस बना के भी कुछ नहीं हुआ तो कमजोरी किधर है, क्यों है? आम आदमी का सपना ऐसे ही रहेगा? आम आदमी का भी सब आदमी का, आम आदमी के क्या, सब आदमी के सपना ऐसे ही है, हम तो ये बोलेंगे। और कोई भी रहे, कोई भी कॉमरेड रहे, कॉमरेड के सामने में बोलेगा, आज भी हमारा बोलेगा बिना कॉमरेड की कॉमरेड लोग का शिकायत करता है। नहीं कॉमरेड शिकायत का सवाल नहीं है। आज देखिए, देखिए मंजर देवी, आप देखिए 5 गो मर्द है, आप 1 गो महिला ही आया है, और हम लोग में से जी कहाँ जाएगा? धनबाद जाएगा 5 गो मर्द, 1 गो हम महिला जाएगा, तो कितना बड़ा हमरा पर बदरसन आएगा कि गंदा आदमी है, मर्द लोग के घूरता है, 5-5 गो मर्द लेके घूरता है। तो जब कॉमरेड लोग के मुँह से ऐसा गंदा बात निकलेगा तो महिला के कहाँ जगह मिलेगा, कैसे लड़ाई को आगे बढ़ाएगा? वो हम लोग के नहीं बर्दाश्त करता, हम लोग खरर के बोल देता है, हम चुपचाप काहे रहेगा, हमको तो उसको देखने के चेहरा नहीं करता। हम लोग के अभी वो द्वार पर नहीं खड़ा हो सकता जब तक ले कॉमरेड भैया, जब तक से बाबूलाल भैया मरा है उस दिन से हम लोग के द्वार पर तुम मत खड़ा होना। इसके बाद कॉमरेड इंदल, खैर यहाँ तो कॉमरेड बहुत समस्या है हम लोग का, काहे तो तरह तरह के हम लोग तकलीफ कर रहा है, महिला को खा खा कर यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब हम लोग ना स्कूल है, ना रहने के जगह है, ना पीने के पानी के हम लोग का व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था नहीं है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग का, अब अपना मन से अब भागने पड़ेगा, नहीं यहाँ कोई देखने वाला अब नहीं है। हम लोग 15 साल हो गया यहाँ, 20 साल हो गया, किसी को 30 साल हो गया हम रहते रहते। अब हम लोग गरीब आदमी जाता है मेजरमैन के पास तो वो सुनाई नहीं करता है, ये पुलिस लोग है आकर दौड़ा में घुसता है और सबको तबाह कर रहा है, नहीं किसी को गाली देता है, किसी को मारता है और कुछ दबा कर रहा है। तो हम लोग गरीब आदमी, मान लो छोटे बरक का आदमी, हम लोग डरा कर और हम लोग की झोपड़ी में घुस जाता है, और घुस कर क्या करेगा, इसी हम लोग का बहुत यहाँ तकलीफ है। इसी चलते से बाबूलाल भुया को गोली में मारा गया है, इतने कह के हम लोग लाल सलाम। साथियों समय काफी हो चुका है और हम लोगों को दूसरा मीटिंग में भी वहाँ तैयारी करना है। साल हो गया, फिर फायदा तो नहीं हुआ। जैसे उधर हम लोग उस टाइम में, हमारा जमाना में ना काम धाम उधर नहीं चलता रहा, तो हम लोग इधर चलता है कि कुछ आया हम लोग तो इधर भी ठीक नहीं चला। फिर हम लोग सोचता है तो अब भी हम लोग का जमाना में कुछ नहीं होगा, अब लड़का लोग है ना तो अभी लोग का जमाना में अब जैसे चल सकेगा, हमारा तो कुछ इसमें कुछ नहीं है। Da 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 da
फर्क जरूर है। इसमें दुकान खोल दिया दारू का, दुकान खोल दिया गांजा का है, और ऐसे मान लो गुंडा जैसे रख दिया सरकार लोग। अच्छा यूनियन बाजी, मान लो यूनियन बाजी करा रहा है, किसी को धांधली करा रहा है। अब तो अब हम लोग अब सोच रहा है तो अब लोग अब हम लोग देश अब लौट जाएगा, काहे तो अब इधर का कुछ समस्या नहीं है। कहूँ जाए, कहूँ ये जाइए, कोई गांव में जाइए, अब समस्या यहाँ नहीं, पहले ठीक ही रहा, अब नहीं है यहाँ। महतो आए हैं जो डुमरी के विधायक हैं, अपना वक्तव्य रखेंगे। कमरेड शिवा महतो, कमरेड शिवा महतो को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कमरेड शिवा महतो को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। साथी साहब कृपया तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, ईमान से बैठ जाओ, अरे मीटिंग के मतलब क्या होता है जी? आज दिल से सुनो, सीखो और तब सरकार के बनाओ करो, कैसे करते हैं, बैठ जाइए। रजत के मुआवजे को बात छपा है, किसान के जमीन पर है ये वारसरी में हमारे कितने माए बहनी भाई को जान के बाकी लोगों का नौकरी नहीं मिला, यहाँ के लोग बेदखल भ गए, घर से बेघर भ गए, गरीबों को कोई रोजी रोटी नहीं। इसलिए बहुत दिन पहले से हमने कहा कि आप लोग एकता बना कर रखो, तब यहाँ रोजी रोटी मिल सकते हैं, तब तुम्हारा काम मिल सकते हैं, तब यहाँ के गुंडा के मार सकते हैं, मेजर के मार सकते हैं, थाना को कमा सकते हैं, तुम्हारा एकता रहना चाहिए, एकता नहीं रहेंगे तो आप बेदखल हो जाएंगे। आज से 30-35 साल पहले एरिया पूरा जंगल इलाका था, गाढ़ा नाला था। फिर जिस समय हमारा देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं ने यहाँ का बुनियादी ये बनाया वासरी का कि यहाँ कोयला धुलाई का कारखाना बनाया जाए और लोगों को सुविधा दिया जाएगा। उस समय हम छोटा थे, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर लोग आए, पूरा सर्वे होने लगा, जमीन का नाप होना शुरू हुआ,
ये जो थर्मल पावर स्टेशन यहाँ बना है उसका जो छाई उड़ता है एरिया में कम से कम 25 किलोमीटर ये तमाम चारों तरफ एरिया में रात और दिन ये गिरते रहता है। यहाँ का जितना साग सब्जी उपजता था वो खत्म हो गया, वर्षा में वो छाई गिर जाता है, इसीलिए धान उपजाऊ होता है। बाकी जो दूसरा सीजन में रबी हमारा फसल होने की बात है वो तमाम नष्ट हो गया। साथ साथ पेड़ पौधा, यहाँ के जानवर, यहाँ के मनुष्य, हर जीव जंतु को उस कारखाना का अभावा से, उसका छाई से, और ये जो आपका स्टील प्लांट बना उसका जो है गैस से, ये वाशरी बना इसका गैस से, ये तमाम लोगों में तरह तरह का कमजोरी बीमारी। हम समझते हैं आज से 30 साल पहले या जब कारखाना नहीं बना था तो लोग डॉक्टर का या हाल यहाँ के लोग नहीं जानते थे, बहुत जल्दी जल्दी लोग मरना शुरू कर दिए हैं। 50 साल जीना है तो 40 साल में 30 साल में मर रहे हैं लोग। मेहनत जो खेत में करते थे तो खेत का मेहनत तो खत्म हो गया क्योंकि खेती होता नहीं है, इसलिए ज्यादातर कोशिश करते हैं कि काम ही करें, मट्टी ही काटें या कोई दूसरा तरह का बिजनेस करें, तो बिजनेस करने में पैसा डेली उपज होता है। हमको इस देख के यही लगता है कि ये जो सरकार है ये जो मशीनीकरण कर रहा है, बड़ा बड़ा कल कारखाना बना रहा है, तो उसमें आदमी को रोजगार को छीन रहा है, आपस में लोगों को लड़ाया, और हमको लगता है कि ये कारखाना ना बने, बने भी तो लोगों को कम से कम रोजगार मिले। लेकिन आज ये तमाम गांव के लोग ये रोजगार के लिए रात दिन अपना घूमता है, उसके पीछे पीछे रहता है, तो वहाँ वासरी के बगल में जाने से, कारखाना के बगल में जाने से वहाँ सीएसएफ का नौजवान रहते हैं लोग, बगल तक नहीं पहुँचने देता, डंडा दिखलाता है, गाली देता है, उसको जरूरत पड़ने से बंद भी कर देता, कभी कभी चोरी के इल्जाम में लोगों को जेल भेजता। रोजी रोटी मिलते हैं, ये मेरा अपील है कि सलारी यहाँ के गरीब
बेचेंगे, अपना जीवन पालन करेंगे और सरकार को गुलाम बना करेंगे। सरकार को हम लोग कितने नहीं देंगे। अपने यूनियन के महामंत्री कॉमरेड एस के बख्शी से अपील करेंगे कि अपना वक्तव्य रखे। आज से 8 साल पहले की बात है, जिस दिन उसको गोली करके मारा गया था, मैं उस दिन यहाँ पर आपके बीच आया था। उस दिन हजारों लोग सिर्फ ये वो महिला कला का मजदूर नहीं, बल्कि अगल बगल के तमाम किसान, महिला कला के मजदूर, वासरी के मजदूर मिल करके तमाम वासरी को घेर करके रखा था। बाबूलाल भुइया का जो कुर्बानी, बाबूलाल भुइया का जो कैद, और उसके कैद के चलते उन्होंने जो बलिदान दिया, वो बलिदान सिर्फ महिला कला का आर्थिक सुधार के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने बलिदान दिया कि मजदूर वर्ग के ऊपर में, गरीबों के ऊपर में जुर्म जब तक नहीं मिटता है, जब तक हिंदुस्तान का धरती में गरीबों का खून इस तरह का बहता रहेगा, इसी के खिलाफ उन्होंने मजदूर वर्ग का राज के लिए, समाजवाद के प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने अपना कुर्बानी दिया था। आसपास इलाका में भी ऐसा शहीद कुछ हुआ? हुआ है गोदड़ में, अगर आशीष हंसदा, ये हम लोग कुलवारी में दामोदर में एक ठो की नाम लगे लालदेव चमार, एक ठो हुआ है केसरगाड़ा में अभी लखन साहब, तीसरा में अभी ये हुआ बाबूलाल बाबूलाल भुइया, और जगह में हुआ है कतरास तरफ, बहुत जगह हुआ है। एक ठो आदमी मान लो चप कर खत्म हो गया मिडलिंग में, उसी लिए हम लोग जुलूस निकाला है। दो दफे तीन दफे से होते रहता रहा। अब के लड़ैया, अरे बारिकन के जगह जमीन बटम सीकर तान हो, बारिकन के जगह जमीन बटम सीकर तान हो, मर गई है कट गई है जई से पाकिस्तान हो। अब के लड़ैया मैं कतई गाम हो, अब के लड़ैया बारिकन के घर बार में कोठी भरल दान हो, बड़कन के घर बाम कोठी भरल दान हो, गरीबन के घर बाम कुछ नहीं थे कान हो। अब के लड़ैया मैं कतई घन काम हो, अब के लड़ैया अरे बड़का तो खाई भैया मैं बामी से तान हो, अरे बड़का तो खाई भैया मैं बामी से तान हो, गरीबन की बाल बता से तू नहीं थे कान हो। अब के लड़ैया मैं जतई गान काम हो, अब के लड़ैया अरे जाड़ा के दिन में उन्नी भी चादर ऊपर से रजैया हो, जाड़ा के दिन में उन्नी भी चादर ऊपर से रजैया हो, गरीबन के बाल बच्चा ओहो है चतैया, कमैया हमर चात गेल पूंजी पतिया, कमैया हमर चात गेल। गोपाल दास जी, ये मौत जो हुई ये कैसे हुई? वहाँ पर ट्रक लोडिंग दिन में मजदूर करता है और रात में पे लोडर के जरिए होता है, वो पे लोडर लोड किया ट्रक, ड्राइवर जो था नशे के हालत में ट्रक अपना रेसिंग में ले जा रहा था, और रामकिशन भुइया अपने झोपड़ी को और जा रहा था, चढ़ गया उसी पर ट्रक और ट्रक के नीचे आ गया। जब वो उनका घर का परिवार खोजने के लिए निकला तो पता नहीं चला 2 या 3 ट्रक उसके ऊपर चढ़ करके पास हो गया, जिससे उसका लादी ये मुंह का तरफ से बाहर आ गया और ये चारों पैर और हाथ पीछे को और घूम गया। जब सुबह हुआ भोर, तब उसका घर का बच्चा एक बड़ा लड़का जो है जिसका नाम रतन भुइया है, वो देखा तो लुंगी जो है चेक रंग का, वो 2 जोड़ा लिया था, एक अपने के लिए एक अपना पिताजी के लिए, तो वो लुंगी से चिन्हा कि ये मेरा पिता है। इसी तरह ये मिडलिंग और आपका ये जो मैलागढ़ा है, महीना में 2 या 3 घटना होते रहता है। जैसे आप फिलहाल देख लीजिए, एक तो बाबूलाल भुइया मैलागढ़ा कार्तिक मांझी
वही मिडलिंग में और आज रामकिशन भुइया का वही मिडलिंग में, जो कि वो तीनों आदमी के आज तक ना कोई मुआवजा मिला है और ना कोई मांग दिया है। हम लोग इसी तरह हर साल उसका खाली शहीद दिवस मनाते हैं। बाबूलाल भुइया का जो कुर्बानी है, ये कुर्बानी इस अंचल में एक बहुत बड़ा लड़ाई का जन्म दिया। हम समाजवाद के लिए लड़ेंगे, हम मजदूर वर्ग की राज के लिए लड़ेंगे, मगर मोइला गांव में जो कोयला है, जो स्लरी है, उसको सरकार कहता है क्रीम है। क्रीम कौन है? कोयला का फाइनेस्ट पार्टिकल से हजारों लाखों रुपया ठेकेदार लोग उस मोइला गांव में लूटता है। हम लोग के तो इस समय बहुत दिक्कत है। इस समय तो हम लोग का लेबर खाने बिना मर रहा है, बाल बच्चा एकदम भूख में मर रहा, कोई बोरी ढोता है, कोई इस समय खदान का लेबर सब भग गया, माटी काटता है, कोई कोई आरी के छाई ताई काट करके उसको जला करके 5 रुपया 4 रुपया में बिक्री करके 1 किलो आटा लाए करके किसी हालत से बाल बच्चा के पालन करता है। सब लेबर इधर उधर भग गया, घर कोई चला गया, किसी के पास भाड़ा नहीं है, कोई इसी जगह पड़ रहा है, छोटा छोटा बाल बच्चा। टोटल वासरी में करीब 15 से 20 हजार लोग काम करते हैं। सब लोग सारी का काम कर नहीं पाते हैं, कुछ गाज इलाके के लोग, कुछ मुंगेर के लोग, कुछ बिलासपुर के लोग, यही लोग मोटा मोटी इस में काम करते हैं। कुछ आर्थिक स्थिति अभी जैसे हमारे घर के नोटिस में मिलता है, पहले तो 7 रुपया 8 रुपया 6 रुपया ऐसे लोगों को मिलता था, ऑर्गेनाइज होकर के कॉन्ट्रेक्टर के अंडर में है। मगर अभी भी उसका जो वेलफेयर का है, ना रोड है, ना पानी है, पीने का पानी कहीं नहीं यहाँ पर उपलब्ध है। पानी जो ये लोग पीता है वो दूर दूर से ला करके पानी पीने का इंतजाम होता है। ये लड़ाई अभी भी चल रहा है। हम पूरा हम लोग जुलूस बना के गए, जुलूस बना के गए तो वहाँ मैदान में फुटबॉल ग्राउंड में सारा समस्या हम लोग अपना नेता के पास में रखे। पुलिस लोग हम लोग का भी घेर के था, गेट में था, बाहर में था, जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं वहाँ भी था, हम लोग का पीछे पुलिस लोग नहीं छोड़ा था। पता चला कि अब बाबूलाल भुइया ने धनबाद से आ गया तो हम लोग का कामरेड लोग बोला कि अब तो मीटिंग खत्म हो गया तो जाइए झुंड के झुंड। तो हम लोग वहाँ से आए जनी मरद सब बाल बच्चे, तो यहाँ पर गेट है, वही गेट पर सिया साहेब लोग पूरा झुंड के झुंड था, फोर्स वाले के मतलब किसी के हाथ खाली नहीं था, गोली भरा हुआ था। बाबूलाल भुइया को तो यही उतारा था इनको द्वारी में, उसको बहन के द्वारी में, उसको सारा लोगों हम लोग देखे। लास्ट समय तो हम लोग का देखा जगदीश भुइया, तो जगदीश भुइया का हमने बोले कि भाई हम लोग भी देखें, पब्लिक तो है तो एक ही है, हम लोग भी देखें कैसा इसको चेहरा है। तो बाबूलाल भुइया को हम भी देखें तो पूरा यहाँ से लेकर वहाँ से लेकर बाबूलाल भुइया का
टांका लगा हुआ है एकदम, तो शरीर में जहर फैल गया था, एकदम काला हो गया था। पोस्टमार्टम हो गया, दूसरा दिन आया। दूसरा दिन यहाँ के तमाम मजदूर झोपड़ी से लेकर के भट्टा से चट्टा जितने लोग करीब यहाँ से करीब 7-8 हजार मजदूर प्रदर्शन किए, पूरा कॉलोनी में घुमा। पुलिस नहीं चाहता था कि ये लोग का प्रदर्शन घूमे। हमारे कमेटी से रामदेव महतो को और मुझे बुलाया, डीसी यहाँ पर मौजूद थे गेस्ट हाउस में, बोला भाई आपके लोग ये घुमाना ठीक नहीं होगा। हम लोगों ने बोले देखिए आदमी को एक मारा, उसको आपने कुछ नहीं किया, उस पर कार्रवाई नहीं किया और उल्टे हम ही लोग पर दबा रहे हैं, ये हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोगों ने तमाम मजदूर लोग करके लेकर के तमाम लोगों को मजदूर का राय हुआ, विचार हुआ, हम लोगों ने तमाम प्रोसेशन कर करके हम लोग समोचा करके करीब 5,000 मजदूर मौजूद हो गए उनका लाश को 2 फरवरी को जलाया। हम लोग लाश ले आए थे धनबाद से और बहुत सा जल्दीबाजी में हम लोग को बहुत सा धमकी उमकी देने लगा कि जल्दी से यहाँ से ले चलिए। हम लोग को बोला कि भाई हम लोग गरीब आदमी हैं और इनको कम से कम लकड़ी उकड़ी नहीं चाहिए, तो कहाँ से जला सकते हैं। फिर लकड़ी उकड़ी दिया और लकड़ी देने के बाद फिर हम लोग ले कर चले गए नदी किनारे, ले गए इंटरबेल का बगले में है, वहाँ पर जा करके हम लोग बहुत सा आदमी इकट्ठा हो करके हम लोग उनको पूरा उनको जला उला कर करके फिर वहाँ से हम लोग चले आए हैं। और छाई पानी में दे दिए, दमोदर छाई जो थे हम लोग सब पानी में बहा दिए। ये जो दामोदर आपको नदी है इधर का, उसका माने क्या है, दामोदर का माने क्या है? दामोदर का मतलब वही हम लोग उसको मैंने नदी कहते हैं, हम लोग गंगा जो होता है हम लोग की तरफ वही मेल किया हुआ है समुद्र में, वही दामोदर हम लोग वजह से कि हम लोग को मुंगेर जैसे होते हैं गंगा, उसी तरह का हम लोग इसमें पर्व कर दिए कि चलिए भाई गंगा यही है हम लोग का। गरीब आदमी थे तो कहाँ ले जाएंगे गंगा, लेकिन यहीं पर हम लोग किए। नदी और नाला ये जितने बने हैं, ये लोगों का कहना है कि कुछ लोगों के ऊपर ये शंकर जी नाराज हो गए। नाराज होने से लोगों को बर्बाद करने के लिए, और वो अपना गंगा को बहाया, उसी तरह से दामोदर को बहाया, तो उस नदी में लोग उसको पूजा करना शुरू किया कि भई हम लोगों से नाराज क्यों हैं, आपको पूजा करते हैं, देवी हमको रक्षा कीजिए। और रक्षा के ख्याल से ये गंगा हो, दामोदर हो, जितने बड़े बड़े नदियां हैं, यहाँ के लोग हमारे हिंदू धर्म के लोग उनको देवता मान करके उनको पूजा करते हैं कि शायद पूजा करने से हम लोगों के ऊपर माफ कर देगा। दामोदर नदी का जो दोनों किनारा, इस दोनों किनारा में जो उद्योग, कोयला उद्योग है, स्टील उद्योग है, बोकारो जैसे बड़े कारखाना, सिंधी जैसे बड़े कारखाना, दुर्गापुर जैसे बड़े कारखाना इस नदी का दोनों तरफ है। और सबसे जो कीमती कोयला, जो कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल भी जैसे सीसीएल में या ईसीएल में इसी नदी का दोनों किनारे मिलता है। और इस इलाके का जो लूट करके, इसी इलाका का शोषण करके हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बड़ा पूंजीपति बना, मगर इस दोनों तीर में जो यहाँ का अधिवासी है, इनकी दिक्कत अभी भी उसी तरीका का है जैसा पहले था। अभी भी उन लोग ठेकेदारी में ही काम करते हैं, जैसे आप आज बाबूलाल भुइयां का बात आपने सुना, बाबूलाल भुइयां के बारे में आपको जानकारी मिला, यद्यपि बाबूलाल भुइयां के माफिक बहुत गरीब लोग भी यहाँ पर बाहर से आया।
दामोदर का अगल बगल का जो लोग और दामोदर का जो पानी वो एकदम काली का तरह हो गया। मैला गाला का जो नाम आप लोग देखा, उसी मैला दामोदर का अंदर से बह करके जैसे नदी को एकदम काला कर दिया, उसी तरीके का यहाँ का जो लोग है, इनका लोगों का भी दिल को ये बहुत काला कर दिया, क्योंकि इन लोग का कोई विकास या कोई उत्थान इसके चलते नहीं हुआ, यही हम लोग का देखने को मिला। नदी से हम लोग को कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक ले। हम लोग कचरा वाला पानी पीते हैं, कचरा में काम करते हैं, ना हम लोग का कोई फैसिलिटी मिलता है। गरीब मजदूर को कहाँ मिला है, बड़े बड़े लोग आदमी यहाँ बन के यहाँ से चले गए हैं, हम लोग को जैसे के तैसे ही हैं गरीब आदमी। कुछ बोलते हैं तो नीचे दाब देता है कि तुम मत बोलो, तुम मत आगे बढ़ो, आगे बढ़ने से आपको खराबी पहुँचेगा। डर से मारे हम लोग चुपचाप रहते हैं, मुंह दाम बंद कर देता है। और आज से हम नहीं हैं यहाँ पर, हमारा आज इक्कीसवां साल बीत रहा है। मेरा पिताजी यहीं डेट कर गया, मेरा भाई भी यहीं डेट किया, बड़ा भाई थे हमारा, हम सारे परिवार लेकर के हम इसी जगह पर हैं। शोषण हमारा पर यहाँ बहुत चलता है, इतना शोषण में हमको चला रहा है यहाँ पर, धमकी उमकी दे रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं आते हैं, हम आ गए ही हैं। इसके लिए चाहे मेरा जिंदगी भी बर्बाद हो जाए, लेकिन पीछे नहीं हट सकते हैं। आग लगाने के बाद उसको काठी जल गया, अब काठी जल गया, उसके बाद में तब किसी तरह से उसको दस्करम किया। दस्करम करने के बाद में तब पुलिस लोग इनको पीछे नहीं छोड़ा था। आग जलाने के लिए क्या सब लोग गया था उस दिन? हाँ हाँ गए थे, और पूरा टाइम में था उन लोग? हाँ हाँ सब लोग गए थे, सीता जलाने के लिए सब लोग गया था। मतलब जो भी नहीं रोता था उसको भी आँख से पानी उस दिन आ गया था, उसको तकलीफ देख के।